देखिए इस घर में हम पाइप डालने वाले हैं, ठीक है। इसका कुछ क्षेत्रफल कुछ ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें 6 रूम और एक उसारा, एक बाथरूम, एक किचन है, ठीक है। हम देख सकते हैं ये किचन बाथरूम है और ये उसारा हो गया, और ये 3 इधर का रूम और 3 उधर से रूम, ठीक है। इसमें हम पाइप डालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे पाइप डलेगा। देखिए हमने क्या किया है, एक रूम को लिया है, अब देख सकते हैं हम लास्ट रूम से स्टार्ट किए हैं और बीच में फैन बॉक्स, अगल बगल हमने कंसलेट रख दिए हैं, ठीक है। आपको इसको नाप लेना है, और देखिए हमने 4 कोने पर होल कर दिए दीवार का, एक रूम के 4 कोने पर हमने होल कर दिए हैं। और हम नाप लेते हैं, ये छज्जा है 2 फुट, इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद हम बीच करेंगे फैन बॉक्स को। चलिए हम साइड साइड में नाप लेते हैं, जितना आएगा उसका आधा हम डालेंगे फैन बॉक्स बीच में। चलिए जितना आया उसका हम बीच में डालेंगे। आपको नाप लेना है रूम को, ठीक है, 4 दोनों बगल से नाप लेना है, उसके बाद आपको बीच में रख लेना है। तो चलिए हमने इसको बीच में रख लेते हैं नाप कर, ठीक है, जितना मैं बीच वहाँ पर रख दिए। फिर इधर से लेना है, उसके बाद आपको 4 कंसिल 4 जगह पर रख देना है नाप नाप कर, ठीक है। इधर से हम 2 फीट छोड़ देंगे क्योंकि मेरा 2 फीट छज्जा है, इसे छोड़ कर हम नापेंगे 2 फीट। और आपको 4 रूम में 4 कोने पर आपको होल मार देना है, क्योंकि पावर प्लग के लिए, मेन बोर्ड के लिए, रूम का मेन बोर्ड होता है, और होल्डर के लिए, ठीक है। 4 कोने पर आपको होल मार देना है, 4 कोने पर पाइप गिरेगा। आप एक पाइप सारे जितना फैन वर्क सबका है और कंसीलर एक दूसरे शॉर्ट कर दीजिएगा। तो इसको हम नाप कर उसको शॉर्ट कर कर दिखाते हैं आपको कैसे करना है। और वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले ही बता दे रहे आपको। तो चलिए हमने नाप लिया है और हमने कुछ पाइप ऐसे डालेंगे, सारे कंसीलर फैन बॉक्स शॉर्ट करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस बार फैन जो मेरा कंसीलाइट है उससे हम दीवार के हर एक कोना पर गिरा देंगे, क्योंकि पॉइंट के लिए, पावर प्लग के लिए, और इसका जो रूम का सर्किट है मेन बोर्ड जो बार मोटर रहेगा उसके लिए, ठीक है, स्विच के लिए। चलिए आपको कुछ ऐसा काट कर नाप कर मिला देना है, और हम आपको शॉर्ट कट बता देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा बनाएंगे तो डिटेल में, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट बनाए। देख लीजिए आप, सारे कंसील को हमने फैन बॉक्स में मिला दिया है क्योंकि वायर खींचने में आसानी होगी। उसके बाद चलिए आपको कोना कोना पर गिरा देना है, ठीक है, अब घर एक कोना पर गिरा देना क्योंकि रूम वॉल के लिए दिक्कत नहीं होगा। और सारे आपको एक दूसरे से, सारे जितना आप डालिएगा फैन बॉक्स सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिएगा। चलिए हम दूसरा रूम लेते हैं, वो रूम क्लियर हो गया है, इसको आगे हम दिखाएंगे क्योंकि वीडियो ये पाइप डालने में तकरीबन 5 घंटे लगा, 2 आदमी 3 आदमी है लोग, 5 घंटे लगे डालने में, इसलिए हम मैं वीडियो बना 9 मिनट के लिए, 9 मिनट का वीडियो बना, तो हम स्पीड बढ़ा दिए और थोड़ा काट काट के वीडियो बनाएंगे क्योंकि लंबा ना हो, आप पूरा देखें, ठीक है, और कुछ नॉलेज ले। सेम दूसरा को रूम को उसी तरह नापेंगे जैसे सेम नापे थे, उसे आपको नाप को रख लेना है, 4 बॉल का रख लेना है नाप बीच में। उसके बाद आपको उसी तरह पाइप डालना जैसे हमने अगले रूम में डाले, देखिए कुछ इस तरह 4 कोने पर हमने पॉइंट गिरा दिए, ठीक है, वहाँ पर गिरा दिए, यहाँ पर गिरा दिए, और इस फैन बॉक्स से हम इनफेक्स दूसरा रूम का फैन बॉक्स मिलाएंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमका रास्ता बनता जाएगा, सारे एक दूसरे से शॉर्ट कर देना है रूम में, ठीक है। चलिए देखिए हम कोने पर हमने गिरा दिए हैं, इस तरफ गिरा दीजिए 4 बगल, किसका काम कब पड़ जाए कोई दिक्कत कोई नहीं जानता है, इसलिए आप 4 बगल गिरा दीजिएगा, सही रहेगा। चलिए एयर फॉर्म फैन बॉक्स से दूसरा फैन बॉक्स मिला दिए हैं, चलिए हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। आपको मिलाते चलना है, हर एक रूम में मिलाते चलना है, अब डाल दीजिएगा 4 कोने गिरा कर, उसके बाद आपको मिलाना है पूरा, आप उसके बाद आपको MC बॉक्स में ले देना है, आपको 2 से 3 रास्ता बनाना है क्योंकि एक रास्ता जाम है तो दूसरा रास्ता काम कर जाएगा। देखिए हम इस फ्रंट बॉक्स से फ्रंट बॉक्स मिला दिए और मेरा तैयार हो गया है एक रास्ता, और दूसरा रास्ता हम कंसील बॉक्स द्वारा करेंगे बनाएंगे, उसके बाद हम इसको MC बॉक्स में लेकर डालेंगे। ये रूम का मेरा पॉइंट वाला है, देखिए इससे में हम 4 पॉइंट गिराएंगे क्योंकि मेरा दिक्कत ना हो। देखिए इस कंसील कंसील मिला दिए, इस फ्रेम बॉक्स से इस फ्रेम बॉक्स में, क्योंकि जाम ना हो, और एक जाम हो जाएगा तो मेरा एक कंसील क्लियर रहेगा, ठीक है। 2 रास्ता आपको बनाना है और 3रा रास्ता आपको MC बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। लेकिन हमने 2 रास्ता बना लिए, एक कंसील बॉक्स है, एक फैन बॉक्स है, ठीक है, कि मैं एक रास्ता जाम हो जाएगा तो दूसरा रास्ता क्लियर होगा, इसलिए हम वायर खींच लेंगे बढ़िया से। चलिए मेरा लास्ट वाला रूम है, मतलब फर्स्ट वाला रूम है, उधर से हमने पीछे से स्टार्ट किए हैं। चलिए आपको इस तरफ इस सेम उसी तरह सारे रूम किस तरह आपको प्रोसेस करना है, इसको हम डायग्राम बना देंगे, डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। अब 4 कोना गिरा देना है और सारे एक दूसरे से मिला देना है, उसके बाद आपको अलग से एमसीबी के लिए ले जाना है मेन बोर्ड तक, सर्किट जैसे हम सर्किट कहते हैं। चलिए हर एक रूम का एक सर्किट भी रहेगा और हर एक रूम का एक शॉर्ट भी रहेगा, एक दूसरे से रूम से शॉर्ट कीजिएगा और इसका अलग अलग हर एक रूम का अलग अलग सर्किट डाल दीजिएगा,
क्योंकि आपको एग्जाम हो जाए पैप तो दूसरा काम कर सकता है। ठीक है चलिए हम क्लियर कर लेते हैं काउंसिल को डालकर पैप। देखिए मेरा एमसीबी बॉक्स हमने होल मार लिया, देखे होंगे। ठीक है अब इसी से हम उठाएंगे और वहाँ पे एमसीबी डालेंगे। ये मेरा छज्जा का है जिसमें चार काउंसिल डाले हैं और हमने फैन बॉक्स से मिला दिए हैं क्योंकि इसका सर्किट यहीं पर रहेगा, इसका जो स्विच है यहीं पर लगेगा। आप देख सकते हैं मेरा एक फर्स्ट वाला जो है एक लाइन, हमने एक लाइन से पाइप मिला दी। आप देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट वाला है और बीच दूसरा हो गया, तीसरा वो हमने तीन भाग में इसको डिवाइड कर दिए हैं। और ये जो है एमसीबी देख लीजिए, देखिए फिर सब देख सकते हैं जो हमने तीन को एक दूसरे से शॉर्ट कर दिए हैं। और यहाँ से हम ले जाएंगे एक सर्किट के लिए। देखिए हमने सर्किट तैयार हो गया, जो मेरा फर्स्ट वाला है वो पता है, तीन रूम का एक सर्किट हमने गिरा दिए हैं। चलिए देख सकते हैं ये जो मेरा तीन रूम है उसका एक सर्किट गिरा दिए हैं। इस रूम का सर्किट आप गिराएंगे डालकर तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको पैप डालना है। दूसरे शॉर्ट कट कर उसके बाद आपको सर्किट गिरा देना है एक तो उसका अलग अलग हर एक रूम का अलग अलग सर्किट डालना है। ठीक है एक दूसरा शॉर्ट कट देना है, आप डायग्राम समझ लीजिएगा। ठीक है चलिए हमने बीच वाला भी कम्प्लीट कर दिया, ज़्यादा डूब है, डूब भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइट डूब हो गया। ठीक है हम तीन सर्किट इस साइड हम तीन सर्किट कम्प्लीट कर दिए। ठीक है मैं फर्स्ट साइज हम उठाए तो उसका तीन सर्किट डाल दिए। अब अच्छा इसका इसका दो सर्किट डालेंगे तो हमें पाँच सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है हम तीन डालेंगे डिवाइड और एक का एक डालेंगे और दो का दो दो सर्किट डालेंगे। ठीक है इसका हम दो डालेंगे और बीच वाला का एक डालेंगे और उसका दो डालेंगे सर्किट, क्योंकि एक जाम हो जाएगा तो दूसरा काम कर जाएगा। तो देखिए आपका पाइप कैसे डालना है, एक रॉड के नीचे एक रॉड के ऊपर डालना है। ठीक है रॉड दो तो हमें बना होता है, इसको एक थोड़ा हम अंडर कर दिए दूसरा को हम ऊपर कर दिए। ठीक है अब कुछ तरह बीडो इसको तरह आपको पाइप डालना है, एक अंदर एक ऊपर। ठीक है दो छड़ जो है दो तो हमें बंद रहता है। देखिए अब नीचे है उसके लिए हम पाइप को ऊपर डाल दिए हैं। देखिए इस तरह आपको पाइप डालना है। अगर वीडियो चीज़ लाइक कर दीजिए, मैं चाहे सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हमें फोटो खींच डाल दिए इस तरह डिज़ाइन के ऊपर, वो इस तरह पाइप डालना है, सारे दूसरे को शॉर्ट कर देना है। चलिए देखिए मेरा ढला हो रहा है, उसको आपको क्या करना है, ढलाई हो रहा है इधर चालू हो गया ढलाई। आपको क्या करना है, जितना फैन बॉक्स है जितना कंसील आपको नीचे कार्टून डालना है या आप थर्मोकोल में डाल सकते हैं फोम। हमने कार्टून डाला है क्योंकि कार्टून था घर पर और इसको हमने वायर से बांध दी। ठीक है जो आपका रॉड आता है रॉड बांधने वाला वायर टाइट से बांध दीजिएगा, तार से बांध दीजिएगा। और देखिए रेल से ढलाई हो रहा है, पटरी बिछा है, इसे ढलाई होता है थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, पाइप निकल जाता है। देखिए हम लोग कम्प्लीट हो गया, इसको हम केवल हम लोग को देखभाल करना है क्योंकि ढलाई में जब पाइप निकलेगा या फूटेगा हमको चेंज कर देना है। आपने समझ गए होंगे कैसे पाइप डालना है, सारे रूम का एक शॉर्ट कर दीजिए दूसरे से, फिर इसको इसमें से निकाल कर कोई भी काउंसिल या फैन बॉक्स निकाल कर इसमें डाल देना है। फिर आपको दूसरा लेना है, डिवाइड कर देना है आपको रूम बाई रूम को, उसको आपको सर्किट डाल देना है क्योंकि हमने सारे एक दूसरे को टच कर दिए हैं, मिला दिए। ठीक है हमने तीनों तीन तरह का डिवाइड किए ना तो तीनों एक रूम से मिला दिए, एक रूम जमा होगा तो एक रूम से मेरा वायर खींचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी तरह करना है, सारे रूम एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपकी फ़ायदा होगी। और चारा कोना गिरा दीजिएगा जहाँ पर, तो अगर वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिए, मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और हम डायग्राम डाल देंगे कैसे डालेंगे। ठीक है हम फोटो डाल देंगे लास्ट में, मेरा डायग्राम में फोटो आप देख लीजिएगा। जो देखिए जो मेरा मेन सर्किट है बाहर गया है, जो मैं खड़ा कर दिया इसको ऊपर जाएगा तो छत को दूसरे तले के काम करेगा। और दूसरे तरफ मैं खड़ा कर देना है कि काम करेगा, अब घर के लिए रखना ही हो रहा है। वाह।